तो क्या ये देश सर्विलांस स्टेट में बदल जाएगा? नितिन गडकरी जी का जीपीएस से टोल टैक्स वसूल करने वाला जो तरीका है, जो मेथड है, उसको क्रिटिसिज्म क्यों मिल रहा है? बहुतों को वैक्सीन नहीं लगवानी है, पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने लगवा ली है, कुछ को तो साइड इफेक्ट हो चुके हैं, वो झेल रहे हैं। जिनको नहीं हुए हैं, मुबारक। अब जिनको लगवानी है वो सेंटर गवर्नमेंट से जाके लड़ रहे हैं। अब एक रिपोर्ट आई है जो कोरोना का फ्लू है। अब रिपोर्ट बताती है कोरोना एक सामान्य फ्लू है अगर --, चित्रा त्रिपाठी जी के बात में अगर बताऊं तो। सारी बात अगर आपको शुरुआत में बता दूंगा तो छोड़ के आप चले जाएंगे, इसलिए वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोरोना का सेकेंड वेव काफी खतरनाक है, इसीलिए महाराष्ट्र की सरकार ने, पंजाब चंडीगढ़ की सरकारों ने लॉकडाउन लगा दिया है। जगह जगह रैली करके हजारों की भीड़ इकट्ठा करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश को जरूरत है इस सेकेंड वेव को तत्काल प्रभाव से रोकने की। क्या बात है, आपने देखा नहीं तो सुना तो होगा जो मैंने आपको बताया कि वीकेंड्स पर लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं। सवाल तो कई सारे मेरे पास है, लेकिन इस वक्त लॉकडाउन लगाना कोई सोल्यूशन नहीं, बल्कि एक डिजास्टर है। क्योंकि देखिए, सेकेंड वेव का जो फैटेलिटी रेट अगर आप देखेंगे ना, वो सिर्फ 1% से भी कम है। और ये 1% से कम होने का मतलब ये है कि ये मुझे और सरकार को ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी रहने के लिए ही काफी है। देखिए, फर्स्ट फेज में लंबा लॉकडाउन जो लगा टुकड़ों में, वो जायज ठहरा सकते हैं। फर्स्ट फेज में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का टाइम चाहिए था, इसीलिए लॉकडाउन को जस्टिफाई किया जा सकता है अगर करना चाहें तो। उस दरमियान हॉस्पिटल्स ने अपने काम किए, जैसे कि उन्होंने बेड की संख्या बढ़ाई, वेंटिलेटर्स बढ़ाए, पीपीई किट को बढ़ाया और काफी अच्छी संख्या में बढ़ाया। और जब ये सारे संसाधन आज हमारे पास मौजूद हैं, तो कोई तुक नहीं बनता कि फिर से इस लॉकडाउन को लगाया जाए। एक्सपर्ट्स की राय और मेरी राय इस मुद्दे पर बिल्कुल सेम है। देखो, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सरकार को अब ज्यादा क्या करना चाहिए, सरकार का फोकस होना चाहिए कि ट्रेसिंग पर ज्यादा फोकस करे, अनटू बनटू ट्रेसिंग ना हो, एग्रेसिव ट्रेसिंग होनी चाहिए और उन लोगों पर नजर रखी जानी चाहिए जो इस समय होम आइसोलेशन में है, होम क्वारंटीन में है। फील्ड में वर्करों की जो संख्या है उसको बढ़ाना चाहिए ताकि सिचुएशन को हम डील कर सके, उसको अंडर कंट्रोल लाया जा सके। और लॉकडाउन कोई सोल्यूशन नहीं है मेरे भाई, ये सिर्फ एक पॉज बटन है। ये राहुल गांधी ने भी कहा था, मैं इस बात पे सहमत हूं, कम से कम इस बात पे तू हूं। देखो, अगर सरकार फिर भी कहते हैं कि मुझे लॉकडाउन तो लगाना ही लगाना है, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये जबरदस्ती एक बड़े तबके को डिप्रेशन और स्ट्रेस में लाने की योजना में बोल सकता हूं और उनको भेजना कह सकता हूं। और ये जो बीमारी है ना, COVID-19 के इस वायरस से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाली है। देखो, आप सबको पता है जॉब लॉसेस का क्या हाल है, जॉब लॉसेस लॉकडाउन से ज्यादा बड़े हैं। अगर डाटा देकर बात करूं तो दिल्ली में अगर आप देखेंगे, फेब में सिर्फ 11% लोग ऐसे थे जो अनएम्प्लॉयड थे, और ये संख्या लॉकडाउन लगने के बाद अक्टूबर नवंबर में 28% तक पहुंच जाती है। और यही हाल अधिकांश राज्यों में था। अगर फिर भी लॉकडाउन लगाना है तो एक बात मेरी जरूर मानिएगा कि सरकार ने कहा कि कुंभ के मेले में अगर किसी श्रद्धालु को, भक्त को शामिल होना है तो जरूरी है कि वो COVID-19 का टेस्ट कराए और उसे ऑनलाइन जो रिपोर्ट मिली है ऑनलाइन पोर्टल पे सबमिट करे, तब जाकर के वो हरिद्वार के कुंभ में भक्ति की श्रद्धा या भक्तों की जो श्रद्धा है वो गंगे माँ में डुबकी लगा करके पूरा करना चाहते हैं, तो आपको कोरोना नेगेटिव होना पड़ेगा, रिपोर्ट को लाना होगा। अगर आप रिपोर्ट नहीं लाए तो आप स्नान नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, सरकार ने कह दिया है। मुंबई में BMC ने कहा है कि अगर किसी मॉल में अगर आपको एंट्री चाहिए तो बिना कोरोना टेस्ट के आपको एंट्री नहीं मिलने वाली, जो चाहे वो कर लीजिए। अब उसी तरह मैं नरेंद्र मोदी सरकार से कहना चाहता हूं कि आप अलग अलग राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में सरकारों से निवेदन तो कीजिए एक बारी। चलो, निवेदन तो आपकी पर्सनैलिटी पे सूट नहीं करता, तो आप स्टेट्स को आदेश दीजिए कि कोई भी व्यक्ति अगर पॉलिटिकल रैली में शामिल होना चाहता है तो RT-PCR टेस्ट वो कराए, यानी कि कोरोना का टेस्ट आपको कराना होगा। कोरोना नेगेटिव अगर आप निकलते हैं तभी आपको पॉलिटिकल रैलीज में आपको एंट्री मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अब ऐसा क्या सेंटर करेगी? अगर सेंटर करेगी, क्या राज्य सरकारें सेंटर की ये बात मानेगी? जवाब मुझे और आपको पता है, जवाब क्या आएगा? आएगा तो लॉकडाउन ही। देखो, लॉकडाउन की बात सुनने के बाद आपके मन में एक सवाल आया होगा कि जब वैक्सीन लगाई जा रही है, करोड़ों लोगों को वैक्सीनेट कर दिया, उसके बाद भी लॉकडाउन हो रहा है। यार, वैक्सीन बेअसर है, दाल में कुछ काला है,
या दाल ही पूरी काली है, ऐसा सवाल आपके मन में आया होगा। देखो पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वैक्सीन जिन्होंने लगाई है या जिनके वैक्सीन लग चुकी है वो दोबारा से कुछ लोग हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं वो उसमें बताते हैं कि लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और कुछ केसेस में तो साइड इफेक्ट्स भी हैं वैक्सीनेट करने के बाद, वो भी आप पोर्टल में पढ़ सकते हैं। एक बहस सरकार और कोर्ट के बीच में चल रही है, कब सभी भारतीयों को वैक्सीन लगने जा रही है, सबका नंबर कब आएगा, इसको लेके एक बहस चल रही है। अभी तक देखो इंडिया ने 5.9 करोड़ कोविड 19 की वैक्सीन को एक्सपोर्ट कर दिया है, लेकिन खुद की भारतीय जनता को 3 करोड़ की पॉपुलेशन को ही वो महज वैक्सीनेट कर पाए हैं। लॉकडाउन 125 करोड़ देशवासियों ने सभी ने झेला था और स्थिति ये चल रही है। इन्फेक्टेड लोगों की जो संख्या को देख करके सरकार जो हॉपलेस हो रही है, सरकार कोर्ट वही तो पूछ रही है कि आपने किस बेसिस पर 60 साल और 45 साल वाला आपने जो लिमिट लगाई है वो कौन से लॉजिक के साथ आपने उस लिमिट को लगाया है। 45 साल से अगर ऊपर है, 60 से कम है, आपको गंभीर बीमारी है, अस्थमा इत्यादि है, तो आप वैक्सीनेट करा सकते हैं। कहानी में ट्विस्ट यहां से आता है, कोर्ट सेंटर गवर्नमेंट से पूछती है कि आपने जो वैक्सीनेट करने की जो एज लिमिट लगाई हुई है ना साहब, ये किस लॉजिक से लगाई है, और विदेशों में वैक्सीन को एक्सपोर्ट तो आप कर रहे हो और देशों और भारत की जनता कोविड 19 के वायरस की वजह से एक्सपोर्ट और कहीं हो रही है, लेकिन भारत की जनता को इससे वंचित रखा हुआ है, क्यों वैक्सीनेट नहीं कर रही सरकार? कहां है सरकार की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? किस बेसिस पर ये सरकार प्रायोरिटी सेट कर रही है? अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से कहा कि भी देखो वकील जो कह रहे हैं ना, जो लॉयर आपके कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनकी अपील को सुना जाए, उनकी अपील को गंभीरता से लिया जाए, है ना, ये तो ये बात कही जा रही है अभी। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि जो वकील कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि उनको प्रायोरिटी लिस्ट में रखा जाए, उनको वैक्सीनेट किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी जो रोजी रोटी है ना वो तभी चलती है जब लोग यानी कि जो क्लाइंट उनसे जब मिलते हैं, और जब अलग अलग क्लाइंट मिलते हैं तो इन्फेक्टेड होने के जो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसीलिए उनको प्रायोरिटी बेसिस पे रखना चाहिए। अब जहाँ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो सड़क के किनारे सब्जी बेचने वाला भी तो वेंडर है, वो भी अपनी सब्जी अपनी रोटी रोजी भी तभी कमा पाता है जब कुछ लोग उसके पास जाकर या फिर लोग उसके पास आकर सब्जियों को खरीदते हैं, तो फिर उनको इस वैक्सीनेशन की प्रायोरिटी लिस्ट में अगर नहीं डाला जाए तो बीमारी नहीं होगी, हम उनको भी डालेंगे फिर ऐसे, तो वैक्सीनेशन में प्रायोरिटी क्यों नहीं दिए जाए? और सेम गोज विद जर्नलिस्ट, कल वो भी आकर कहेंगे कि हमें वैक्सीनेट करो प्रायोरिटी बेसिस पे। अब यहां पर सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कि अगर हम लोग प्रोफेशन के हिसाब से प्रायोरिटी सेट बिल्कुल नहीं करने जा रहे कि किसकी क्या प्रोफेशन है और उसको हम इस प्रायोरिटी पे भेजने वाले हैं, ऐसा नहीं है। मेहता जी खुद कहते हैं कि मैंने अभी तक खुद को वैक्सीनेट नहीं कराया क्योंकि मैं उस प्रोटोकॉल उस कानून में नहीं आता हूं। आगे बेंच कहती है कि जर्नलिस्ट बिना लोगों के कांटेक्ट में आए अपना काम तो कर सकते हैं। अब इस पर मेहता जी कहते हैं ऐसे तो बैंकिंग सेक्टर के भी इम्प्लॉयज़ हैं, वो भी मांग करेंगे कि हमें भी प्रायोरिटी बेसिस पे वैक्सीनेट कीजिए। ये जो लिस्ट है ना वो नेवर एंडिंग वाली लिस्ट है। बेंच ने फिर बाद में कहा कि सरकार की तारीफ करते हुए कि हाँ ठीक है आप अच्छा काम कर रहे हैं वैक्सीनेशन को और इस कैंपेन को बखूबी आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, शाबाश, ये कॉन्वर्सेशन चल रहा था। देखिए मासूम जो केजरीवाल हैं हमारे, उनके भी यही मांग है कि 45 साल वाले लिमिट को हटा दें और 18 साल से जितने भी ऊपर लोग हैं सबको वैक्सीनेट करा देंगे। वैक्सीन लगने के बाद भी आपको वो सारे प्रोटोकॉल फॉलो करने होंगे जो बिना वैक्सीन लगाए लोगों को करना पड़ रहा है। वैक्सीनेट होने के बाद भी पॉजिटिव होंगे, किसी को वायरस दे भी सकते हैं, किसी से वायरस ले भी सकते हैं, बदलेगा कुछ भी नहीं, रिपोर्ट बताती है। कोरोना को लेकर के संयुक्त राष्ट्र की मेट्रोलॉजिकल की 6 सदस्य की टीम का कहना है कि अगर कोरोना वायरस अगले कुछ वर्षों तक चलता है तो ये एक मौसमी बीमारी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाई गई रिसर्च टीम ने बताया कि सांस संबंधी जो संक्रमण है, जो इन्फेक्शन है, ये अक्सर मौसमी होते हैं, सीजनल होते हैं। कोरोना वायरस भी मौसमी और तापमान के मुताबिक अपना असर दिखाएगा। तो इसका मतलब कोरोना वायरस मैं यूं कहूं तो मौसमी है, सीजनल, पता नहीं, बताइए कमेंट सेक्शन में। देखिए नितिन गडकरी ने कहा है कि अगले एक साल में मौजूदा जो टोल कलेक्शन की जो व्यवस्था है उसको खत्म करके ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि GPS के जरिए टोल टैक्स वसूला जाएगा।
अब इसके तहत वह जितना किलोमीटर तक हाईवे पे चलेगा उसको सिर्फ उतना ही पैसा देना पड़ेगा, उससे ज्यादा उसको पैसा नहीं देना होगा। देखो फास्ट टैग लगाना सभी के लिए जरूरी हो चुका था, कंपलसरी हो चुका था। जीपीएस के जरिए आपसे अब टैक्स वसूला जाएगा। फास्ट टैग में क्या होता था, गाड़ी में आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, आपका ऑटोमेटिकली टैक्स कट जाएगा, अपना जो पैसा है वो कट जाएगा। जिसने फास्ट टैग नहीं लगा रखा वो टोल से गुजर रहा है, अब उसको भी पैसा थोड़ा ज्यादा देना होगा। ये अभी तक प्रक्रिया चल रही थी। अभी जीपीएस वाला सिस्टम कैसे काम करेगा ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए जीपीएस के साथ ही साथ गाड़ियों के जो मालिकों के बैंक अकाउंट से साफ तौर पर इसको जोड़ दिया जाएगा। इससे सड़क के इस्तेमाल के हिसाब से अपने आप बैंक से पैसा कट जाएगा, इसमें रिचार्ज वाला झंझट खत्म हो जाएगा। यानी कि यह है कि आपको प्रीपेड वाला सिस्टम नहीं रखना है कि पहले आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा तब जाके आप पैसा कटेगा तो आपकी गाड़ी पास होगी। फास्ट टैग वाला हिसाब किताब जो है ना कि पहले आपको 100 रुपये 200 300 रुपये इसमें होने चाहिए गाड़ी पास होगी तो अपना आप कट जाएगा, अब वो झंझट नहीं है, सीधे बैंक अकाउंट से गया तो गया। नितिन गडकरी जी कहते हैं कि नई गाड़ियों में जीपीएस लगाना पहले से अनिवार्य हो चुका है, पुरानी गाड़ियों में जीपीएस लगाने के मामले में फास्ट टैग की तरह नई व्यवस्था की जाएगी। देखिए टोल टैक्स कनेक्शन के जरिए सिस्टम के लिए सरकार की ओर से पुराने वाहन जो व्हीकल हैं उसमें मुफ्त जीपीएस लगवाया जाएगा और नए सिस्टम में टोल टैक्स की वसूली फास्ट टैग के जरिए होने वाली है। मैं आप एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, यदि कोई व्यक्ति एक पॉइंट से हाईवे पर चढ़ने के बाद 50-55 किलोमीटर यात्रा करता है और हाईवे को छोड़ देता है तो उसको केवल सिर्फ 50-55 किलोमीटर के जो 50-55 रुपये बनते हैं या जो भी कुछ रुपए बनते हैं उसे उसको उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। अब तक क्या होता था, 60 किलोमीटर पर आपको टोल प्लाजा मिलते थे और वाहन चालकों को कम से कम 60 किलोमीटर के लिए टोल टैक्स देना पड़ता था। देखो कुछ हाईली इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो इस जीपीएस टैक्स वसूली के लिए बड़ा खतरनाक बता रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज करने की बात कर रहे हैं। थैंक यू फॉर दिस टेक, थैंक यू। तो अब क्या है कि अब वो क्या क्या उनके तथ्य हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सरकार आपकी कार चार पहिए वाहन में जीपीएस ट्रैकर डिवाइस लगाएगी जिससे सिम लगी होगी, इससे पावर व्हीकल की बैटरी से मिलेगा, इसमें 4G 3G 2G सभी सिम लग सकती हैं। ये ट्रैकर वीक नेटवर्क सिग्नल पर भी काम करता है, ये डिवाइस लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं, नहीं होने वाले हार्डवेयर के साथ आते हैं। जो कई ट्रैकर डिवाइस ऐसे भी होते हैं जिसमें M2M यानी कि मशीन टू मशीन सिम पहले से ही दी गई होती है। देखो कार से आप कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कहाँ आप रुक रहे हैं, कितना आप रुक रहे हैं, आपका डेली रूटीन क्या है, ये सब पता होगा। आप कार में बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, यह सब सरकार सुन सकती है। तकनीक के द्वारा यह भी संभव है कि कंट्रोल रूम से आप जहाँ हैं वहीं आपकी कार के इंजन को सैटेलाइट के जरिए बंद कर दिया जाएगा। जब तक पुलिस नहीं आएगी तब तक आप गाड़ी के अंदर बंद रहने वाले हैं। जब तक पुलिस आ जाएगी तब तक कोई बात नहीं, इतना पुलिस उस लॉक को खोलेगी और आपको बाहर निकाल देगी। पता नहीं कौन सी मूवी का सीन है। तो ये कुछ ऐसे क्रिटिसिज्म वाले पॉइंट हैं जो कि आगे इंटेलेक्चुअल लोग बात कर रहे हैं। बाकी अगर सरकार के खिलाफ अगर आपने आंदोलन में शामिल हैं तो आपकी खैर नहीं, तो कुछ डर है तो इसका मतलब यह है कि प्राइवेसी कंसर्न थोड़ा सा ज़्यादा है। अब इसको और इन डेप्थ जाने की रिसर्च करने की आवश्यकता है जो करनी भी चाहिए, और हाईली इंटेलेक्चुअल लोगों की जो सोच है इस समय, तो आप मुझे ये बताइएगा कि आप उनसे कितने सहमत हैं और कितने सहमत नहीं हैं। अब मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि इस वीडियो को चुपचाप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिसको देखना है वो देख लेगा, जिसको नहीं देखना उसकी बदकिस्मती है। तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते सारी बातें पता होनी चाहिए। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही दरख्वास्त करूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। I9 न्यूज़ इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए आप यूट्यूब पेट्रियन मेंबरशिप भी ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार, थैंक यू।